सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, आई होप मैक्सिमम ज्वाइन हो चुके हैं। अब जो आएगा वो बाद में देख लेगा अपने आप से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद सीरीज एंड इट्स स्ट्रिंग फंक्शनैलिटीज। गॉट इट गाइस? तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे करंटली उसी टाइम पे मैसेज चैट में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपको यहाँ से रिप्लाई कर दूंगा। गॉट इट गाइस? ओके, और प्लीज अपने माइक्स म्यूट रखना तब तक। And Kamal, if you want recording permission, then ask, okay? Okay, कौन रिकॉर्ड कर रहा है गाइस? कमल, यू रिकॉर्ड द लेक्चर? ओके कमल, ओके ओके। So guys, देखो अब हम क्या इस पे स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो आप बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास मैक्सिमम स्ट्रिंग्स हैं किसमें, हमारी सीरीज में। ओके, तो कैसे मैं स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करा सकता हूँ देखते हैं। लाइक जितने भी मेरे स्ट्रिंग के ऑपरेशन होते हैं वो मैं एक सीरीज के रिस्पेक्ट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। आपको बस इसे स्ट्रक्चर के बिहाफ पे लेके चलना है कि आपके पास एक स्ट्रक्चर है, आप उस स्ट्रक्चर को कैसे ऑपरेट कराएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक डेटा, दिस इज माई सीरीज। ओके, तो मैं इसे प्रिंट करता हूँ, देखता हूँ कितने एलिमेंट है। ओके गाइस, सो मैंने यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स पास करे। ओके, देखते हैं मेरे पास आउटपुट में क्या आता है। सो दिस इज माय सीरीज। ओके, मैंने कोई इंडेक्सिंग नहीं करी थी तो इसके जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है वो वही आई है, लाइक 9 एलिमेंट्स है इसमें। ओके, उसके बाद आपका ये शेप है। गॉट इट? दिस इज योर साइज एंड दिस इज योर शेप। तो इसको भी अगर आप चाहते हो तो लिख लो लाइक दिस। ओके, तो दिस इज योर साइज एंड दिस इज योर, अगर इफ एंड इफ वॉन्ट टू प्रोवाइड एन इंडेक्सिस देन इंडेक्स। सो गाइस, आप इंडेक्स लिख के भी दे सकते हो और डायरेक्टली भी पास कर सकते हो। तो मैं 9 एलिमेंट्स में कोई से भी इंडेक्स पास कर सकता हूँ, मैं कर देता हूँ। ओके, सो हियर ए बी सी डी। सो गाइस, यहाँ पे मेरे फैंसी इंडेक्सेस भी आ गए। तो ये भी क्या है, लाइक मेरे जो एक्चुअल इंडेक्सिंग है वो भी कंटिन्यूअस नेचर में, और यहाँ पर जो मैंने फैंसी इंडेक्स डाले हैं, अगर मुझे रिक्वायरमेंट पड़ी तो मैं इनका यूज कर लूंगा। ओके, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर फैंसी इंडेक्सेस, ओके, अपनी सीरीज दोनों को क्रिएट कर दिया है। अब मैं इसमें क्या अपने बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कराना स्टार्ट करता हूँ गाइस। ओके, वैसे हम ये क्यों कर रहे हैं बेसिकली ये जानना जरूरी है। लाइक अगर आप सपोज करो कोई डेटा एनालाइज करने जा रहे हो या फिर कुछ किसी डेटा को आपको मैनिपुलेट करना है, तो अगर आप किसी कॉलम में से, किसी डेटा फ्रेम में से या फिर किसी अपनी सीएसवी फाइल में से जो भी डेटा आपने 2 डायमेंशनल या n डायमेंशनल का स्टोर करा है, उसमें से जब आप कोई भी चीज एक्सट्रैक्ट करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सीरीज में ही मिलता है। लाइक आपने एक सेपरेट कॉलम निकाला, उस पर आप ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हो। ओके, तो वो क्या है आपका उस सिनेरियो में, वहां पर अगर मैं आपको बोलूं तो वो आपकी एक सीरीज रिटर्न करेंगे। तो सीरीज पे अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप इस तरीके से करोगे। अगर वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा तो आप कैसे करोगे? दैट्स व्हाई वी डन विद दिस टॉपिक। ओके
आपकी एक वैल्यू होगी जहां पर आपको कुछ भी आ सकता है, मतलब कि आपका एक कोई गार्बेज वैल्यू जिसमें कोई भी नंबर हो सकता है, आइदर इट और फ्लोट। ओके, वैसे बाय डिफॉल्ट इसमें फ्लोट पड़ा रहता है, तो मैंने एक एन एन वैल्यू भी यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। गॉट इट? ओके, नॉट अ नंबर, मिसिंग वैल्यू है वहां पर, समझ लो एक तरह से। ओके गाइस, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आगे देखते हैं। ओके, ऑपरेशन परफॉर्म करा के स्ट्रेंथ फंक्शन। ओके, सो गाइस सबसे पहला बेसिक फंक्शन क्या है, अगर मैं इसकी लेंथ निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, लेंथ। ओके, अगर मैं लेंथ कैलकुलेट हो गई तो इसका मतलब मैं सही ऑपरेट करा रहा हूँ। तो देखो कैसे कराते हैं, सबसे पहला ऑपरेशन नंबर इवन लगाता हूँ। ओके, या फिर जो भी आपको लगाना है, पीटी डॉट सीरीज, सीरीज तो मैंने बना ली थी गाइस। ओके, सीरीज माय डेटा, और डेटा में मैं क्या ऑपरेट करता हूँ, लेंथ फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑपरेट होता है गाइस। ओके, बट मुझे उसे बताना पड़ता है कि क्या ये क्या बोल रहा है, सीरीज ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट लेंथ। ओके, मतलब जो सीरीज है उसका कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है, कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है, कोई भी ऐसा एक मेथड नहीं है, तो मुझे बताना पड़ता है कि जो सीरीज है वो कैसी है, स्ट्रिंग टाइप की है। ओके, तो इस तरीके से, गॉट इट? अब मैं अगर कुछ भी ऑपरेट कराऊंगा तो इस तरीके से ऑपरेट हो सकता है गाइस, सिर्फ और सिर्फ सीरीज के केस में। ओके, सीरीज विद स्ट्रिंग के केस में, ऐसा नहीं कि अगर आप लिस्ट में टाइप कास्ट करना चाहते हो लिस्ट में कर सकते हो, नहीं। ये सिंपल आपका क्या हुआ है, मैंने डेटा को क्या करा, एक्सेस करा, उसे बताया कि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को क्या करा है, मैंने लेंथ कैलकुलेट कराई है। गॉट इट? इज सिंपल वर्किंग। ओके, तो अब मैं इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको कि एक्चुअल में आउटपुट में क्या है आपके पास। ओके, सो देखो गाइस यहाँ पर आपको एलिमेंट बाय एलिमेंट आपको क्या रिटर्न आया, रिटर्न है उसकी लेंथ। ओके, क्या लेंथ, और देखो तो आपको फ्लोट में रिटर्न आ रहा है डेटा। फ्लोट में क्यों आ रहा है गाइस, एक ही रीजन है उसका फ्लोट में आने का, बेसिकली इस यहाँ पर इंट आना चाहिए बट फ्लोट में आने का ये रीजन है क्योंकि जो एन एन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो फ्लोट ही लेता है, वो अपने आप इंटरनली ओके फ्लोट ही कंसिडर करके चलता है। तो दैट्स व्हाई इस फ्लोट ने सीरीज को मैनिपुलेट कर दिया, क्यों, क्योंकि सीरीज आपका होमोजीनियस डेटा कंटेन करता है, लाइक एरे जैसे हमने पढ़ा था, क्या एरे में क्या था कि होमोजीनियस डेटा कंटेन करता है, तो यहाँ पर सीरीज क्या है, होमोजीनियस डेटा कंटेन करता है। अगर मैं एनएन हटा देता हूँ यहाँ से अभी के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए, एक इंडेक्स भी कम करना पड़ेगा मुझे। तो देखो बाय डिफॉल्ट क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पर, सारे के सारे एलिमेंट्स इंटीजर में मिल रहे हैं। ओके, मतलब जो लेंथ रिटर्न में आती है वो इंटीजर, तो जो आपका एन एन है उसकी वजह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैनिपुलेट हो गया था फ्रेंड्स। ओके, गॉट इट? तो एक एन एन की वजह से जिसमें एक फ्लोट वैल्यू गार्बेज था, नॉट इवन हमें पता भी नहीं क्या था, बट जो बाय डिफॉल्ट क्या करता है फ्लोट कंसिडर करके रखता है, तो उसकी वजह से सारी की सारी वैल्यू फ्लोट में हो गई थी। ओके, तो मैं फिर से पुट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो आप फिर से आप अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगी। ओके, ये देखो सिंटैक्स मिस्टेक हो गया है। ओके, डबल कॉमा पुट हो गया है। ओके, सो गाइस क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ओके, फंक्शन समझ में आया कैसे ऑपरेट कराना है, आगे सारे के सारे फंक्शन ऐसे ऑपरेट होंगे। ओके, बस एक जो सेम स्ट्रक्चर है वो ये है। ओके, सबसे पहले आपको उसे बताना पड़ेगा कि स्ट्रिंग क्या है और स्ट्रिंग के बाद आप उसे ऑपरेट कैसे करा रहे हो, ओके, कौन सा फंक्शन ऑपरेट कराना चाह रहे हो। गॉट इट गाइस? क्लियर है? आगे चले। ओके गाइस, ओके, तो हम नेक्स्ट फंक्शन ऑपरेट कराते हैं, ठीक है। लाइक आपको पता चल गया कि आप सीरीज पे फंक्शन कैसे ऑपरेट कराओगे, दिस इज योर सीरीज। ओके, ये एक सीरीज बनाया है। ओके, सीरीज बनाने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर उसे बताना पड़ेगा सीरीज को कि आपको कौन सा फंक्शन, क्या डेटा है और उसमें क्या ऑपरेट कराना है। ओके, क्या डेटा है और क्या उसे उस पर ऑपरेट कराना है। अगर मैं सिंपली से हटा के ऑपरेट करके दिखाऊं आप लोगों को, ओके, तो ये क्या बोलेगा,
कि आपके पास लेंथ नाम का कोई भी फंक्शन नहीं है, मतलब आपके पास का मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सीरीज की बात हो रही है। तो सीरीज ये बोलना चाह रहा है कि सीरीज के पास ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जिसका नाम क्या हो, लेंथ हो। ओके तो मुझे उसे बताना पड़ेगा कि भाई सीरीज में जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस पर आपको क्या परफॉर्म कराना है, लेंथ। तो एलिमेंट बाय एलिमेंट आपको हर एक एलिमेंट की क्या मिलेगी, लेंथ मिल जाएगी। गॉट इट गाइस। सेकंड फंक्शन देखते हैं। सो गाइस अब स्ट्रिप फंक्शन चलाते हैं। ओके स्मॉल स्मॉल फंक्शन जो थे वो तो आप लोग कर ही लोगे, लाइक कैपिटलाइज हो गया, लेंथ हो गया, उससे तो आप फैमिलियर हुई। ओके तो स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है गाइस, आप लोगों को पता ही है, मैंने पहले भी बताया स्ट्रिप फंक्शन के बारे में। तो बेसिकली अगर स्ट्रिप की बात करूँ तो स्ट्रिप क्या करेगा, जो भी पैरामीटर मैं इसमें पास करूंगा जो भी, वो स्ट्रिंग के या तो राइट से या लेफ्ट मोस्ट साइड से रिमूव कर देगा अगर पैटर्न मैच होता है तो। तो बेसिकली अभी देखते हैं, अभी के लिए तो मैंने इसमें कुछ पास नहीं करा, तो देखते हैं क्या स्ट्रिप करेगा। ओके सो गाइस दिस इज माय E2 ऑपरेशन। तो E2 ऑपरेशन में अगर मैं देखूंगा तो अभी के लिए तो कुछ, क्योंकि मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं करा है। ओके बाय डिफॉल्ट इसने क्या कंसीडर करा होगा, ओके लाइक बाय डिफॉल्ट जब मैं कुछ नहीं पास करा तो स्पेस कंसीडर करके जाता है, स्पेस ना किसी के आगे है और ना किसी के लास्ट में है। ओके तो इस वजह से इसने कुछ भी स्ट्रिप नहीं करा है। तो देखो स्ट्रिप क्या करता है, देखो या तो वो स्टार्टिंग में चेक करेगा या तो वो एंडिंग में चेक करेगा, मिड में चेक नहीं करेगा गाइस। ओके स्ट्रिप क्या करेगा, या तो राइट मोस्ट साइड या तो लेफ्ट मोस्ट साइड, ओके दोनों जगह एक्ट करेगा और वहां से आपका डेटा को अगर मैच होता है आपका डेटा तो उसे रिमूव कर देगा। तो ऑपरेशन परफॉर्म करके देखने गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, काफी हेल्प करता है डेटा एनालिसिस के लिए। ओके गॉट इट, तो देखते हैं। नाउ ओके तो अभी तो कुछ नहीं है बट व्हेन आई पास E3 ऑपरेशन में हम परफॉर्म करा के देखते हैं। सो गाइस देखो यहाँ पर मैं ऑपरेशन परफॉर्म कराता हूँ डेटा डॉट str डॉट स्ट्रिप एंड व्हाट आई वांट टू स्ट्रिप, मैं यहाँ पर स्ट्रिप कर लेता हूँ कि आपको चलो देखते हैं कौन सा है, टी देखते हैं। चलो ओके टी को रिमूव करना है, यहाँ पर भी टी लगा देता हूँ। ओके तो देखो एंड के लास्ट में टी है और टोनी के स्टार्टिंग में टी है, तो देखते हैं कौन सा वाला रिमूव होता है या नहीं होता है। ओके बाकी बीच बीच में अगर आप देखोगे तो मैं कहीं पर भी टी पूछ, चलो ठीक है बीच में रहने देते हैं। ओके अभी यहीं पर देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या टी पास करा सिंपल और मैंने ऑपरेटेड, सो गाइस अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको आउटपुट में यहाँ पर टोनी का टी गायब है एंड के लास्ट से टी गायब है। और अगर मैं कहीं बीच में टी लगा देता हूँ, लाइक आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ बस, ओके तो यहाँ पर इस टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस टी पे देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ कहाँ पड़ेगा राइट मोस्ट साइड और लेफ्ट मोस्ट साइड। ओके या तो लेफ्ट ओके इधर से चेक करेगा या इधर से चेक करेगा। गॉट इट गाइस, क्लियर है। ओके सर अब फॉन्ट थोड़ा और ऊपर की ओर शिफ्ट करना ना, ये जो स्क्रीन है। यस नितेश, गाइस प्लीज म्यूट योर माइक्स, ओके अदरवाइज रिकॉर्डिंग में इशू आएगा। एवरीवन प्लीज म्यूट पे ही रहो। ओके कोई भी डाउट है तो आप क्या चैट में पूछ सकते हो। गाइस क्लियर है, केस सेंसिटिव होगा नितेश। ओके केस सेंसिटिव क्या, अगर आप जैसा पास करोगे आपका पैटर्न भी वैसा, स्मॉल है तो स्मॉल में और कैपिटल है तो कैपिटल में। ओके गॉट इट, आगे देखते हैं। इस तरीके से नॉट इवन अ वर्ड, ओके नॉट इवन अ कैरेक्टर, अगर आप वर्ड भी पास करोगे तो अगर वर्ड का पैटर्न मैच होता है तो वो उसे भी रिमूव कर देगा। ओके तो देखते हैं।
data dot strip, okay, और strip with str, okay. तो सिंपल फंक्शन लगाया मैंने फिर से, और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, मैंने सिंपल कोई एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ le, जो अगर आप एप्पल में देखोगे तो le एग्जिस्ट कर रहा है वहां पर, ओके तो ओके गाइस, तो एली जब मैंने यहाँ पे पुट करा तो मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा कि मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, एली यानी कि एक यहाँ पर वर्ड है समझ लो, ओके तो वो वर्ड को भी मैच करेगा और वर्ड में से उसे रिमूव कर देगा, लाइक जहां पर भी उसे मिलेगा, मतलब ये पूरे डेटा पे चल रहा है गाइस, पूरे डेटा के हर एक एलिमेंट पे, पूरे स्ट्रक्चर के एक एक एलिमेंट को क्या कर रहा है, वन बाय वन चेक कर रहा है, गॉट इट। तो देखो इस तरीके से मैंने पास करा तो यहाँ पर क्या था, इट्स एली, तो एप्पल का एली रिमूव हो चुका है गाइस, ओके दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रिप फंक्शन। इसी तरीके से आर स्ट्रिप और एल स्ट्रिप भी होता है गाइस, वो भी एक एक ऑपरेशन उसका भी देख लेते हैं, ओके तो आर स्ट्रिप और एल स्ट्रिप देखते हैं। सो हियर वी आर, आर स्ट्रिप इज यूज्ड टू रिमूव ओनली फ्रॉम राइट साइड, ओके आर स्ट्रिप कहाँ फोकस करेगा, सिर्फ राइट साइड पे फोकस करेगा, ओके एल स्ट्रिप नितेश बीच में से डेटा, हाँ नितेश बीच में से डेटा स्ट्रिप हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट अगर हम मुझे बीच में से स्ट्रिप करना है तो उसके लिए कोई इंडिविजुअल फंक्शन नहीं है, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। सिंपल सा आइडिया दे देता हूँ, आप स्लाइसिंग इंडेक्सिंग से प्रॉपरली कर सकते हो, ओके आप कंकैटिनेशन का यूज कर सकते हो, बीच में से डेटा स्ट्रिप कर सकते हो, बट कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है इसके लिए, गॉट इट। सो गाइस एक एक ऑपरेशन स्ट्रिप और एल स्ट्रिप का देख लेते हैं, ओके e of 2 to 3, okay data dot str dot okay l strip कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि left most side, okay तो यहाँ पर left side पे क्या है, अगर मैं देखूंगा तो word या character कुछ भी ले लेते हैं, मैं jo डाल रहा हूँ, okay तो jo में मैं यहाँ पर अब insert कराता हूँ तो देखता हूँ क्या ये remove होता है या नहीं होता है। so operation number 3, तो गाइस तो अगर आप देखोगे एक काम करते हैं हम, शॉन जी 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 टी कर लेते हैं, एंड में टी लगा देते हैं, ठीक है ना। हाँ चलो ये देख लेते हैं गाइस, टोनी को देख लेते हैं, ओके जियो क्योंकि वन साइड ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो टी देख लेते हैं गाइस, ओके तो टी देखो एंड में लास्ट में टी है, ओके और टोनी की स्टार्टिंग में टी है, तो देखते हैं कौन सा वाला जाता है, ओके तो यहाँ पर जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो लेफ्ट मोस्ट साइड वाला टी यहाँ से रिमूव हो चुका है, राइट मोस्ट साइड वाले को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो दिस द वर्किंग ऑफ योर एल स्ट्रिप, मतलब कि लेफ्ट साइड स्ट्रिप, ओके सेम आर साइड स्ट्रिप, ओके यानी कि राइट साइड स्ट्रिप, ओके स्ट्रिप, ओके तो आर स्ट्रिप में देखो सिंपल सेम टी पास करूंगा यहाँ पर भी, ओके अब क्या एंड वाला जाएगा, कौन सा ऑपरेशन जाएगा, एंड वाला, ओके यानी कि एंड का टी रिमूव हो जाएगा गाइस, ओके सो व्हेन आई ऑपरेटेड, तो यहाँ पर देखो टोनी का टी तो एग्जिस्टेंस में है बट इसका टी रिमूव हो चुका है गाइस, ओके तो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर स्ट्रिप फंक्शन टिल नाउ, ओके आगे देखते हैं और भी सारे फंक्शन है।
सो गाइस फटाफट देख लेते हैं, आपको परफॉर्म करना आ गया है, जस्ट अब फोकस करो आप लोग। ओके, मैं फटाफट से आप लोगों को करके दिखाता हूँ। नाउ वी आर ऑन स्प्लिट फंक्शन। ओके, तो अगर आप स्प्लिट फंक्शन में देखोगे तो हेयर, ओके, इट इज यूज टू स्प्लिट डेटा। ओके, लाइक ये क्या करेगा, हर कैरेक्टर को, हर मतलब जो भी एलिमेंट उसे स्प्लिट करेगा। स्प्लिट करने का मतलब क्या है कि अगर आप उस उसमें डेटा पास कर रहे हो तो डेटा को क्या करेगा, एक डिफरेंट, आप जिस पोजीशन से बोलोगे उस पोजीशन से क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। और अगर आप पोजीशन नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट जो कैरेक्टर अपना इंटरनली एक्सेस करेगा वो होता है स्पेस। ओके, तो क्या लिखा है, हेयर इट इज यूज टू स्प्लिट डेटा फ्रॉम गिवन पैरामीटर इफ यू डोंट प्रोवाइड द पैरामीटर गाइस। तो अगर आप कोई पैरामीटर नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट का स्पेस को कंसीडर कर लेगा कि हाँ स्पेस इज द बाय डिफॉल्ट पैरामीटर इन इट। ओके, और जो इसका रिटर्न टाइप होता है वो क्या होता है, लिस्ट होता है गाइस। तो जो डेटा को रिटर्न करेगा स्प्लिट करके वो किस में डाल के करेगा, लिस्ट में। सो रिटर्न टाइप इज लिस्ट। ओके, रिटर्न टाइप इज लिस्ट गाइस। ओके, सो आओ ऑपरेट करके देखते हैं। आपको पता है वही सेम चीज डेटा डॉट str डॉट स्प्लिट। ओके, तो मैं वो अभी के लिए मैंने इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करा, अभी के लिए बाय डिफॉल्ट से ऐसे तो देखते हैं आउटपुट में क्या आता है, स्प्लिट। आउटपुट फॉर स्प्लिट E3। ओके, तो देखते हैं E3 में। सो देखो गाइस आपके पास क्या आ रहा है, जहां पे स्पेस होगा, लाइक टोनी को भी इसने रिटर्न टाइप में क्या देखा है, किस पे दिया है, एक लिस्ट में दिया है, वॉच एंड हेड, वॉच स्पेस एंड स्पेस हेड। तो स्पेस पे क्या है, स्प्लिट कर दिया स्पेस से उठाकर, और वहां पर बाय डिफॉल्ट क्या पुट करा, कॉमा। तो अगर हमें कॉमा सेपरेटेड फाइल भी बनानी होती है तो हम इस तरीके से वर्किंग यूज करते हैं कि डेटा को रीड ऐसे कराते हैं, उसे ब्रेक करके फिर आप उसे यूज कर सकते हो। ओके, लाइक फाइल हैंडलिंग में भी नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने के लिए, नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने के लिए गाइस ये इस तरीके से सारी चीजें यूज होती है कि अगर आपको डेटा ब्रेक करना है। तो अभी के लिए तो बाय डिफॉल्ट इसने क्या करा है, स्पेस को रीड करा है। ओके, गॉट इट। तो जहां जैसे स्पेस मिला इसने वहां से क्या करा है, ब्रेक कर दिया गाइस। ओके, अब हम इससे पैरामीटर पास करके देखते हैं कि पैरामीटर पास करके क्या आउटपुट आएगा। ओके, तो देखते हैं, मैंने एक पैरामीटर पास करता हूं, डेटा डॉट str डॉट स्प्लिट। ओके, नाउ आई वांट टू पास ए मैक्सिमम जगह पे एग्जिस्ट कर रहा था, मैंने बोला ए जहां मिले वहां से मेरे डेटा को क्या करो, स्प्लिट कर दो। ओके, तो मैंने यहां पर इसे परफॉर्म कराया, देन आई वांट सॉरी आई वी गेट दिस। तो देखो टोनी ने ए एग्जिस्ट नहीं करा था, बट जहां जहां पर वॉच एंड हेट में देखोगे तो जहां जहां पर ए था वहां पे उसने क्या कर रहा है, कॉमा कर लिमिटर क्या था, कॉमा, हेलो आई एम। ओके, तो ए की जगह दिस। ओके, गॉट इट। बाकी और कहीं एग्जिस्ट नहीं करा था, जहां जहां करा था उसने उसे वहां से स्प्लिट करा है और डेलिमिटर क्या पुट कर दिया वहां पे, कॉमा पुट कर दिया। गॉट इट गाइस। ओके, नाउ इस तरीके से आप स्प्लिट के बाद आप जितने भी स्ट्रिंग फंक्शन है सारे ऑपरेट हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो ऑपरेट नहीं हो सकता इस पे। ओके, सो लाइक
रिप्लेस, आपको पता है रिप्लेस फंक्शन क्या करता है? ओके मैं आपको मेन मेन बता रहा हूँ जिसमें कुछ कंस्ट्रेंट होता है जो समझने में दिक्कत होता है गाइस, आपका जो अपर लोअर होता है बेसिक फंक्शन आपको उसकी वर्किंग पता है ओके, तो खुद से ट्राई करके देखना, कोई डाउट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। लाइक सिंपल जैसे आपने स्ट्रिंग पे अपर लोअर परफॉर्म करा था, यहाँ पर भी सेम वही सिनेरियो है, एक दो मैं आपको डायरेक्टली करके दिखा दूंगा, बाकी आप खुद से परफॉर्म करके देखना ओके। सो रिप्लेस देखते हैं ओके। ओके सो यार रिप्लेस क्या करता है, इट इज यूज्ड टू रिप्लेस डेटा विद, लाइक अगर आपका जो रिक्वायर्ड डेटा है और आप उसे किसी डेटा से ना चाहते तो उसके लिए रिप्लेस फंक्शन का यूज आप कर सकते हो ओके। तो देखते हैं सिंपल वे, डेटा डॉट एसटीआर डॉट उसे बताना है, रिप्लेस करना है, नॉट रिपीट रिप्लेस ओके। तो रिप्लेस देखते हैं, सबसे पहला पैरामीटर के पास होगा किसको करना और किससे करना है गाइस, फोकस ऑन माय वर्ड्स। सबसे पहले क्या टारगेट एंड देन न्यू डेटा, याद रखना सबसे पहले टारगेट पास होगा। तो टारगेट आपका क्या है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ ए ओके, ए को भी टारगेट लेके चलते हैं। मैंने बोला स्मॉल ए को एट द रेट से रिप्लेस कर दो दिस ओके पूरी स्ट्रिंग में। तो देखते हैं सॉरी गाइस ओके। सो देखो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करो क्या है आपके पास डेटा में, अगर आप ऑब्जर्व करके देखोगे तो जहां जहां पे ए था वहां पे आपका क्या यूज हो रहा है, एट द रेट ओके, एट द रेट एट द रेट एट द रेट। तो इस तरीके से यहाँ पर भी देखो एट द रेट ओके, तो इस तरीके से आपने क्या करा उसे रिप्लेस कर दिया गाइस ओके। अब जो स्मॉल फंक्शन है गाइस वो देख लो, मैं एक दो फटाफट से परफॉर्म करके दिखा देता हूँ आपको डायरेक्टली। गाइस दिस इज नॉट, अभी किसी का डाउट है गौतम आप प्राइवेटली मैसेज मत करो, ग्रुप पे फॉर एवरीवन करो उससे पहले तो ओके गॉट इट ओके। सो देखो गौतम यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एन एन इज लाइक इट इज अ डेटा टाइप, इट इज अ टाइप ऑफ डेटा, ये कोई आपका स्ट्रिंग नहीं है, ये एक डेटा है। लाइक अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर तो मैंने एन एन क्या है यहाँ पर एक डेटा ओके क्या पास करा मैंने, एक वैल्यू पास कर दिया डायरेक्टली ओके, ये इसका एक डेटा टाइप है। तो ये मुझे एक डेटा टाइप बता रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है वो एन ए एन है, ये कोई स्ट्रिंग ही है और हम स्ट्रिंग मैच करा रहे हैं। तो आप इसे इस तरह से कंसिडर करके नहीं ये नहीं चलोगे ओके कि ये क्या है एक स्ट्रिंग है ओके सॉरी ये क्या है स्ट्रिंग है, हाँ ये क्या है एक डेटा है गाइस डायरेक्टली। तो ये डायरेक्टली एक डेटा टाइप की तरह यहाँ पर एक्सेस हो रहा है, यहाँ पर पैटर्न मैच नहीं होगा। एन ए इज योर नॉट अ नंबर, गॉट इट क्लियर है गौतम ओके। ओके चलो आगे देखते हैं ओके फट, अब मैं आपको बस डायरेक्टली फटाफट से स्मॉल फंक्शंस ऑपरेट करके दिखा देता हूँ ओके। विदाउट यूजिंग अ वेरिएबल, क्योंकि क्या मुझे उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं चाहिए, तो मैं सिंपल ऑपरेट करता हूँ डेटा डॉट एसटीआर डॉट अपर ओके। सो क्या करेगा ये पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा आप देगा अपर में, देखो आप कोई भी स्मॉलर में नहीं है ओके। आफ्टर दैट
गाइज रिमेम्बर वन थिंग, नेक्स्ट क्लास से फ्रॉम नेक्स्ट वीकेंड 10 मिनट्स का टाइम दूंगा, ओके 10 मिनट्स के बाद अगर कोई ज्वाइन हुआ मेरी मीटिंग में अलाउ नहीं करूंगा। अभी भी रिक्वेस्ट आ रही है, लाइक सेशन एंड होने वाला है पहला 2 मिनट में, अभी भी सामने से रिक्वेस्ट आ रही है, तो नेक्स्ट सेशन में मैं अलाउ नहीं करूंगा। इसमें मेरा नहीं, हम सबका लॉस है। लाइक कोई भी बीच में अलाउ करता है, करता हूँ मैं, वो बीच में आएगा फिर वो बोलेगा सर रिपीट एंड ऑल, तो हम लोगों को ही फिर वो चीज इफेक्ट करेगी। तो गाइज आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, टाइम दिया है तो 10 मिनट तक मैं कंसिडर कर सकता हूँ, उसके बाद नहीं। गॉट इट? ओके सो देखो गाइज, लोअर डेटा डॉट स्टेयर डॉट लोअर, सो गाइज व्हेन यू कॉल लोअर, ओके तो लोअर केसेस में आपके क्या होगा, प्रॉपर स्ट्रिंग लोअर में हो जाएगी। एक दो और देख लेते हैं, रिपीट फंक्शन और स्वैप केस या फिर कोई सा अगर आप लोगों को लगता है। गाइस अगर किसी को किसी स्ट्रिंग फंक्शन में डाउट है तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हो, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके कि अगर आपको लगता है कि वो सीरीज पे कैसे ऑपरेट होगा तो वो मैं आपको अभी क्या क्लियर कर दूंगा, तो अगर है किसी को कोई डाउट तो बता सकते हैं। ओके रिपीट डेटा डॉट एस टी आर डॉट रिपीट, और किसको कितनी बार रिपीट करना है तो बस ये पैरामीटर पास करना है यहाँ पर। तो मैंने अभी के लिए क्या पास करा है, यहाँ पर 2 times रिपीट करना है। तो देखो हर एक एलिमेंट 2 times रिपीट हो गया, लोअर एंड इज लोअर। ओके लोकेश, डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड इज लोअर, ओके अगर आपने देखा यहाँ पे मैंने क्या परफॉर्म करा है, लोअर, तो लोअर का जब आउटपुट आया तो उसने क्या करा यहाँ पर ऑब्जर्व करके देखो, उसने पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। ओके एक सेकेंड, अपर लोअर, ओके तो दिस इज द आउटपुट फॉर लोअर वन। ओके अगर आप देखोगे, बट इज लोअर क्या करता है देखो, प्रिंट इज लोअर, आपको पता है इसका होता है एक आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, ठीक है? तो आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब क्या है कि वो चेक करके बताता है क्या ये स्ट्रिंग को बिलोंग करता है या नहीं करता। डेटा डॉट एस टी आर डॉट इज लोअर, ओके तो जो स्ट्रिंग पूरी तरह से लोअर केस में होगी उसके लिए 2 देगा, बाकियों के लिए 1 और एप्पल। ओके और यहाँ पर एक और इंडेक्स बढ़ा देते हैं, तो देखो अब यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू आएगा देखो, क्योंकि इज लोअर क्या सिर्फ आपको ये बताता है चेक करके कि क्या होता है आपका आइदर ट्रू और फॉल्स, और जो आपका लोअर होता है वो डायरेक्टली आपका टाइपकास्ट करता है डेटा को। ओके सॉरी टाइपकास्ट बोल रहा हूँ, कन्वर्ट करता है। क्लियर है लोकेश? ओके शिवम सर स्वैप से एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, व्हाट डू मीन बाय चेंज? ओके चेंज फॉर व्हाट, लाइक स्वैप केस, स्वैप का मतलब कैसे, बाय मेमोरी लोकेशन और या फिर अपर टू लोअर जैसे कि अभी करा है स्वैप केस। बाकी तो अगर नॉर्मल स्वैपिंग की बात करें तो आप लॉजिक लिख सकते हो, उसके लिए ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है। हाँ पोजीशन स्वैप नहीं कर सकते हैं, वो तो डायरेक्टली अगर आप चाहो तो इंडेक्स टू इंडेक्स कॉपी कर सकते हो, वो भी पॉसिबल है। ओके डायरेक्टली इंडेक्स टू, बस उसके लिए कोई फंक्शन नहीं है, अगर आप चाहते हो तो इंडेक्स टू इंडेक्स आप कॉपी करा दो डेटा, वो हो जाएगा। व्हाट डिड शिवम? ओके आप एक इंडेक्स को दूसरे इंडेक्स को कॉपी करा दो, ठीक है वो उसे ओवरराइड कर देगा, इस तरीके से स्वैपिंग हो सकती है, बट डायरेक्टली कोई स्वैप फंक्शन नहीं है कि आप डेटा स्वैप कर सकते हो। क्लियर है गाइस? एक डाउट और था, किसने पूछा था, मैं पढ़ते पढ़ते उसे पढ़ नहीं पाया था, प्लीज आस्क अगेन। ओके कुछ तो था लास्ट मैसेज, हाँ ज्वाइन फंक्शन का। ओके सो ज्वाइन के लिए क्या था, अगर ज्वाइन में आपको डाउट हो तो ज्वाइन क्या करता है बेसिकली देखते हैं। ओके लास्ट प्रिंट ज्वाइन हर, लाइक इसमें क्या स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट के साथ अपने आप को क्या करता है, मर्ज करता है। लाइक मैंने क्या बोला कि ज्वाइन फंक्शन परफॉर्म कराया, तो ज्वाइन देखते हैं, डेटा डॉट एस टी आर डॉट ज्वाइन। ओके तो और यहाँ पर पैरामीटर पास कर देता हूं मैं, अभी के लिए स्टार पास कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये स्टार होगा, ये हर एक कैरेक्टर के साथ जाके ज्वाइन होगा, हर एक कैरेक्टर के साथ। ओके तो व्हेन आई ऑपरेटेड, तो देखो
यहाँ पर इस तरीके से जॉइन ने क्या करा है, अपने आप को हर एक कैरेक्टर के साथ बाइंड कर लिया है, तो वो हर एक कैरेक्टर के साथ जाके अपने आप को आउटपुट में प्रोवाइड कराएगा। गॉट इट? देखो स्पेस इज अ कैरेक्टर, तो उसने स्पेस में भी अपने आप को बाइंड करा है। गॉट इट गाइस? क्लियर है? एनीथिंग एल्स? यागवेंद्र, गौतम, क्लियर है आप लोगों को? भरत, लोकेश, कोई डाउट है? शाश्वत? ओके गाइस, कूल। चलो देखते हैं आगे। ओके सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रिंग सीरीज। ओके नाउ वी मूव टुवर्ड्स डेटा फ्रेम। ओके लोकेश, व्हाट अबाउट लिमिटेड प्लेस? ये पूरे स्ट्रक्चर पे, ये पूरे स्ट्रक्चर पे ऑपरेट होगा, ये एक फंक्शन है। ओके फंक्शन का कुछ लिमिटेशंस होता है, तो ये पूरे स्ट्रक्चर पे जाकर ऑपरेट होगा। ओके किसी लिमिटेड प्लेस पे, अगर आपको लिमिटेड प्लेस पे करना है तो आप उसे इंडेक्सिंग से गेट कर लो, फिर आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ओके क्लियर है? ओके कूल। सो गाइस नाउ वी मूव टुवर्ड्स डेटा फ्रेम। ओके सीरीज में जितना बताना था मैं बता चुका हूँ, एक दो फंक्शंस और होते हैं वो डेटा फ्रेम के साथ भी चलते हैं, सीरीज के साथ भी चलते हैं, तो वो मैं आपको डेटा फ्रेम पे बता दूंगा। लाइक मिन मैक्स हो गया, आपके स्टैट्स वाला पार्ट। ओके तो स्टैट्स वाला पार्ट में आपको जो भी ऑपरेट होता है स्टैट्स वाला पार्ट, इन पे मैं आपको डेटा फ्रेम के बाद बताऊंगा। अभी हमने सीरीज का क्रिएशन मैनिपुलेशन सब कुछ सीख लिया है, अब हम डेटा फ्रेम पे चलते हैं। ओके तो डेटा फ्रेम का जो क्रिएशन मैनिपुलेशन स्ट्रक्चराइजेशन है वो अच्छे से समझना गाइस, क्योंकि काफी प्रॉब्लम देता है। सीरीज तो बहुत छोटा सा पार्ट था उसके सामने, बट यस अगर आपको सीरीज को ऑपरेट करना आता है तो आप उसे भी ऑपरेट कर सकते हो। नीरज सर, सर हर एलिमेंट के आगे स्टार लगाना होता है, सो नीरज आप लॉजिक लिख सकते हो उसके लिए, लूप के थ्रू आप बाइंड कर सकते हो ज्वाइन फंक्शन को। ओके डायरेक्टली यहाँ पर अगर आप स्टार, तो इसके लिए एक और फंक्शनैलिटी होती है ज्वाइन फंक्शन की, एक सेकंड लेट मी चेक। डॉट ज्वाइन लाइक दिस, हाँ इस तरीके से भी सिंटैक्स होता है, बट इसमें भी बाद में लग रहा है। ओके तो आप इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हो गाइस। ओके या तो आप इस तरीके से भी पैरामीटर पास कर सकते हो, और इस तरीके से भी आप पहले वो पास कर दो फिर स्ट्रिंग पास कर दो। ओके आगे लगाने के लिए गाइस आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा, कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। ओके ये क्या करेगा, आपके कैरेक्टर के बाद ही बाइंड करेगा। गॉट इट नीरज? ओके कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है उसके लिए, अगर आप बोल रहे हो कि मुझे आगे लगाना है या फिर किसी एक स्पेसिफिक पोजिशन पे लगाना है, तो इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, यू हैव टू गो विद लॉजिक्स। गॉट इट? ओके गाइस सो आगे चलते हैं, नाउ वी मूव टुवर्ड्स डेटा फ्रेम। ओके गाइस तो स्टार्ट करते हैं। ओके तो डेटा फ्रेम क्या होता है गाइस, सबसे पहले तो देखते हैं। ओके सो वी टॉक अबाउट द डेटा फ्रेम। ओके तो अगर डेटा फ्रेम की बात करो तो क्या करता है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ओके गाइस एन डायमेंशनल नहीं होता है, टू डायमेंशनल होता है। टू डी स्ट्रक्चर डेटा लिख देता हूँ। ओके या स्ट्रक्चर जो लिखना है लिख दो, प्लस सेकेंड पॉइंट म्यूटेबल इन नेचर। ओके म्यूटेबल होता है। ओके कंटेनिंग कंटेनिंग रोज एंड कॉलम एंड ऑल्सो हैंडल। गाइस अगर यहां पर आप देखोगे तो ये क्या करता है, हेटरोजीनियस डेटा कंटेन करता है।
डेटा बट कॉलम वाइज सॉरी रो वाइज। देखो रो और कॉलम का क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है ओके। लाइक मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक बार। लाइक आप एज्यूम कर लो एक एक्सेल फाइल ओके, एक्सेल फाइल को एज्यूम कर लो ओके। तो एक स्ट्रक्चर बनाता है लाइक दिस। ये क्या है मेरा डेटा फ्रेम। टू डायमेंशनल क्यों है, क्योंकि दो चीजें कंटेन करेगा, रोज एंड कॉलम। सो अभी के लिए मैं यहाँ पर कॉलम ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस, दीज आर माय कॉलम्स ओके। ये क्या मेरे कॉलम्स हैं। तो क्या करता है जो कॉलम्स होते हैं, दिस इज द सीरीज गाइस ओके, लाइक दिस। और ये होती है रोज। सो रिज्यूम कर लो आप लोग, ये बना दिया क्या मैंने एक डेटा फ्रेम, विच इज जो भी नाम देना आप लोग को दे सकते हो उसे ठीक है। देखो क्या है, अगर मैं बात करता हूँ एक कॉलम की, इसकी एक कॉलम की, तो दिस इज माय कॉलम ओके। तो ये जो कॉलम होगा ये तो होमोजीनियस डेटा कंटेन करेगा, मतलब अगर आप एक कॉलम, आप एक डेटा फ्रेम में से एक कॉलम गेट करते हो तो वो फिर उसका जो टाइप आप चेक करोगे तो वो एक सीरीज होगा। क्या होगा सीरीज, बेसिकली ये स्ट्रक्चर ये बनता है लाइक दिस एंड दिस ओके। और उसके बाद एक ये ओके। तो जो सबसे इंटरनल मैंने बनाया है वो क्या है, एक सीरीज है। जब हम मल्टीपल सीरीज को एक साथ रखते हैं लाइक ये दो सीरीज है, इन दोनों को मैंने एक साथ रख दिया तो बनता है डेटा फ्रेम ओके गाइस ओके। क्लियर है, मल्टीपल सीरीज को जब हम एक साथ रखते हैं तो क्या बनता है डेटा फ्रेम। और जब हम एन डायमेंशनल लाइक टू डायमेंशनल हो गया ना, एक सीरीज और ये दूसरी सीरीज, तो ये क्या बन गया, एक डेटा फ्रेम बन गया, टू डायमेंशनल डेटा। बट हम इसी तरीके के मल्टीपल डेटा को जब एक साथ रखते हैं तो क्या बनता है आपका पैनल। पैनल को कभी भी आप ऐसे नहीं बोलोगे थ्री डायमेंशनल होता है, तो मोर देन टू, मोर देन टू ओके। तो आप पैनल हट के जो आया है वो है एज एरे ओके। तो हम एज एरे पढ़ेंगे, अभी के लिए बस आपके लिए जो पढ़ने वाली चीज है वो क्या है, सीरीज और सबसे ज्यादा आपका डेटा फ्रेम। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चराइजेशन आपको समझ में आया। तो अगर मैं बात करता हूँ मल्टीपल सीरीज की, तो एक सीरीज हो गई ये, इसमें इंटीजर है सपोज कर लो, दूसरी सीरीज होगी ये, इसमें फ्लोट है, इसमें स्ट्रिंग है ओके। तो देखो अब अगर मैं रो वाइज से गेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हिट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा। बट अगर मैं कॉलम और एक सीरीज के रिस्पेक्ट में जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, होमोजीनियस डेटा। तो देखो उसकी भी सारी प्रॉपर्टी आ गई और डेटा फ्रेम ने अपनी भी कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करी है। तो इस तरीके से डेटा फ्रेम का एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, इसीलिए फ्लेक्सिबल भी होता है, रिलायबल भी होता है और आपका काफी एक्यूरेट होता है। लाइक एक्यूरेट इन द सेंस, अगर बात करा जाए कि अपने आप से गेट करने की चीजों को ठीक है, मिसिंग वैल्यूज को स्ट्रक्चर करने की, डेटा ऐड करने की, तो वो सीरीज से बेटर आप इसमें डेटा फ्रेम में कर सकते हो ओके। स्लाइसिंग इंडेक्सिंग भी काफी अच्छी तरीके से पॉसिबल है, आप जहां से जाओ वहां से डेटा इसमें से निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस, विद द हेल्प ऑफ कॉलम नेम्स, एनीथिंग। गॉट इट गाइस, क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, एनीवन। ओके गाइस, सो आगे मूव करते हैं ओके। आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आया डेटा फ्रेम का, गॉट इट। ओके सो अब एक सिंपल सा पहले तो देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइक जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है। तो सिंटैक्स देखते हैं लाइक डेटा फ्रेम का, तो दिस इज माय पीडी डॉट डेटा फ्रेम ओके। क्या क्या कंटेन करता है गाइस, सबसे पहले तो एक डेटा, डेटा कुछ भी हो सकता है गाइस, डेटा यहाँ पर लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकता है, हमें सारे का सारा सीखना है। डिक्शनरी हो सकती है कि हम कैसे डेटा फ्रेम बना सकते हैं ओके। सीरीज हो सकती है, लिस्ट, एरे, कुछ भी। तो डेटा, उसके बाद उसके इंडेक्स ओके। इंडेक्स किस जो रिस्पेक्ट में बोला गया है यहाँ पर, रोज ओके, क्या रोज। और यहाँ पर सेकंड पैरामीटर के पास होगा कॉलम्स ओके, थर्ड पैरामीटर मतलब। उसके बाद सेम डी टाइप ओके, और कॉपी, कॉपी जो कि बाय डिफॉल्ट क्या होती है, फॉल्स होती है गाइस ओके। मैंने बताया क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि हम फालतू में डेटा क्रिएट नहीं करते हैं, अगर मुझे रिक्वायरमेंट होती है तब मैं एक कॉपी इसके क्रिएट कर सकता हूँ ओके। तो अभी के लिए मैंने क्या
ये मेरा डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर है, तो आ जाओ डेटा फ्रेम बना के देखते हैं। सो दिस इज माय डेटा फ्रेम tf.data। ओके, इस तरीके से सिंपल। अभी मैंने इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करा, मैं इसकी इंफॉर्मेशन गेट करता हूं। ओके गाइस, df इज नॉट फिक्स्ड थिंग। ओके, इसे आप चेंज कर सकते हो, इट इज यूजर डिफाइंड वेरिएबल। कहीं आप सोचो फिर df लिया है तो डेटा फ्रेम में होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज एबीसी एक्सपायर्ड, जो लेना ले सकते हो आप। ओके, अगर आप कोई डेटा भी लोड कराते हो किसी एक्सेल फाइल से, किसी कॉमा सेपरेटेड फाइल से, तो वो भी आपका एक डेटा फ्रेम में ही रीड होगा गाइस। ओके, याद रखना है चीज। तो जो डेटा फ्रेम होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास। ओके, 80% आपका काम जो सॉल्व करके देगा वो डेटा फ्रेम ही करके देगा। ओके, सो दिस इज माय डेटा फ्रेम df। ये हो गया डेटा फ्रेम। अब उसका टाइप चेक करते हैं, स्ट्रक्चर मुझे मिल जाएगा टाइप ऑफ df एंड देन साइज और शेप दोनों चेक करते हैं, देखते हैं क्या वेरिएशन है दोनों में, साइज और शेप। df डॉट शेप, ओके मेथड है सारे के सारे, और यहां पर भी df डॉट साइज। तो जब मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा तो देखो मुझे एक स्ट्रक्चर मिल चुका है। क्या बोल रहा है? एम्प्टी डेटा फ्रेम। ओके, क्या है ये? एम्प्टी डेटा फ्रेम है। ओके, क्या कॉलम्स भी नहीं है और इंडेक्सेस मतलब रोज भी नहीं है, कुछ नहीं है। प्लस क्या है? साइज जीरो और शेप अगर आप देखोगे तो आप क्या दिखा रहे हैं? जीरो कॉमा जीरो। मतलब जब तक मैं सीरीज की शेप की बात कर रहा था तो मुझे सिर्फ एक जीरो मिल रहा था, जो भी मिल रहा था एक एलिमेंट मिल रहा था, बट यहाँ पर आपको दो मिल रहा है। तो इससे मुझे पता चलता है शेप को देख के कि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है गाइस। किसका? डेटा फ्रेम का। एम्प्टी भी दे रहा है तो टू डायमेंशनली मुझे बता रहा है कि भाई देखो टू डायमेंशनली यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से, मतलब कोई भी डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है गाइस। ओके, क्लियर है? आगे देखते हैं। गॉट इट? ये तो क्या था आपका? एम्प्टी डेटा फ्रेम है। तो देखते हैं डेटा फ्रेम के कुछ एट्रीब्यूट्स क्या क्या है। प्रिंट इफ गाइस म्यूट योर माइक, इसने ओपन कर रखा है। ओके, सो देखते हैं गाइस, DIR से मुझे पता चल जाता है कि आपका जो डेटा फ्रेम है कितने एट्रीब्यूट्स या कितने मेथड्स कंटेन करके बैठा है। तो DIR ऑफ df, तो गाइस देखो जैसा कि मैंने बोला था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो ये सारे के सारे डेटा फ्रेम के क्या है? इनबिल्ट फंक्शंस हैं। ओके, दिख रहा है आप लोगों को? स्पेशल मेथड छोड़ देते हैं जो कि कॉमन होते हैं हर किसी में। उसके बाद का अगर मैं देखूं, देखा जाए तो काफी कुछ है इसमें। ओके, तो हम भी ट्राई करेंगे सारे के सारे ही कवर हो जाए हमारे। ओके, स्पेशल मेथड है लाइक अनपिकल मैट्रिक्स कंपोनेंट हो गया आपका। ओके, इन प्लेस टू, तो कहते बहुत छोटे छोटे हैं वैलिडेट, मतलब इनका इतना ज्यादा यूज नहीं होता, बट हाँ हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको ट्राई करूंगा कि सारे ही बताऊंगा। ओके, बट तो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर और लास्ट तक हमारी डिटेल्स खत्म होते हैं, हम सारा का सारा कवर करेंगे। लाइक देखो गेट वैल्यूज क्या होता है। ओके ओके गाइस, ये सब देखोगे लाइक। ओके, तो ये कुछ जितने इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, बट हाँ इनकी वर्किंग लाइक यूज पता होना चाहिए। आईएक्स क्या होता है, ज्वाइन क्या होता है, कीज क्या होता है। तो देखो ज्वाइन फंक्शन आपने भी पढ़ा है, तो सब कुछ ही दे रखा है इसमें। ओके, लुकअप कैसे बनते हैं इसमें, एंड डायमेंशन क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो हर कुछ दे रखा है। ओके, मॉड पाइवट टेबल्स, तो बेसिकली जिन्होंने फर्दर कंटिन्यू करा था सेशन में उन्हें पता हुआ है सारे की सारी चीजें मैंने पढ़ाई है। ओके, जेड स्कोर में क्वांटाइल यूज होता है हमारा, तो सारे के सारे हम पढ़ेंगे। स्क्वीज आपका जो आपने डेटा फ्रेम बनाया उसे और कंप्रेस करने के लिए होता है। स्टैकिंग गाइस एरे वाला पार्ट है, तो एरे के भी मैक्सिमम फंक्शन ये लेके आपके चलता है गाइस। एसडीएफ टू एसटीएफ जीडी, ये सारे के सारे आपके फाइल फॉर्मेट है, जेसन। ओके, तो जितना भी आपने अभी तक पढ़ा पाइथन में, ओके फाइल हैंडलिंग में, तो वो सारा का सारा भी इसमें इंक्लूडेड है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ नया है, ये प्रॉपर पाइथन के फंक्शन हो गए, आपके एरे के फंक्शन हो गए, इसीलिए इतना बल्की लग रहा है। अगर मैं डेटा फ्रेम की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा 20-30 फंक्शन होंगे, लाइक ट्रांसपोज हो गया, वेयर हो गया, ये सारे के सारे इसके अपने फंक्शन है। बाकी इसमें टाइम सीरीज का भी इंक्लूडेड है, एरे का भी इंक्लूडेड है, तो सबका डेटा लेके ये इतना अपना आपको बल्कि शो कर रहा है गाइस। गॉट इट? तो इसे देख के डरने की जरूरत नहीं है, इजीली कवर हो जाएगा ये। ओके, तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं डेटा फ्रेम क्रिएशन से। ओके, तो हम क्रिएशन के जितने भी एट्रीब्यूट है वो सारे के सारे देखेंगे।
क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम। ओके तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस सबसे पहले मैं एक लिस्ट बनाता हूं, हियर एल इज माय लिस्ट। ओके सबसे पहले मैं लिस्ट से स्टार्ट करता हूं, डाटा को पुट करना। ओके तो मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए यहां पे गाइस। ओके कुछ एलिमेंट्स डाले बट इट, अब देखता हूं मैं इसे डेटा फ्रेम में पास करके। तो माय फर्स्ट डेटा फ्रेम व्हिच इज df1 pd.data फ्रेम। ओके और इसमें मैंने एल को पास कर दिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या डेटा पैरामीटर पास करा, क्या पास करा, डेटा। डेटा कुछ भी हो सकता है ओके, बस फॉर्मेट को फॉलो करें। ओके तो देखते हैं अब इसे प्रिंट करा के। तो प्रिंट दीज आर द स्ट्रक्चर। ओके तो गाइस अभी के लिए आपको मैं सब कुछ प्रिंट करके दिखाता हूँ क्योंकि इट इज नेसेसरी। ओके आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आपका डेटा फ्रेम बन चुका है। ओके डेटा फ्रेम बनने के बाद आप देखो तो उसमें वैल्यूज क्या है। ये सिंपल स्ट्रक्चर आएगा जैसे कि अभी आप लोगों ने बनाया, सीरीज भी बनाई थी। तो देखो स्टार्टिंग इंडेक्स, अगर सीरीज की बात करो तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं था, बट अगर आप यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो जीरो लिखा है। जीरो का मतलब क्या है, जीरोथ कॉलम की बात हो रही है और दीज आर स्पेसिफिकली फॉर रोज। तो अगर मैं बात करूं तो इट कंटेन्स सिक्स रोज एंड कॉलम वन। तो अगर आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट जो डेटा जा रहा है वो रो साइड पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, रो साइज पे। तो अगर एलिमेंट कैसे काउंट हो रहे हैं आपके, रो वाइज। ओके तो छह रोज है और एक आपका कॉलम है गाइस। तो इस तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ विच इज योर डेटा फ्रेम। अब देखते हैं होमोजीनियस वाला पार्ट। मैं यहाँ पर एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं गाइस, चलो बना लेता हूँ मैं। मैंने सपोज करो यहाँ पर दे दिया दिस, अब देखो। ओके तो देखो यहाँ पर क्या है, अब तो मैंने तो बोला था कि भाई डेटा फ्रेम जो होता है वो तो कैसा होता है, हेटरोजीनियस इन नेचर होता है। बट यहाँ पर तो इसने क्या करा, मैंने एक वैल्यू पुट करी और उसने सारे डेटा को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो क्यों गाइस, सेम थिंग यहाँ पर अगर आप देखोगे तो है तो डेटा फ्रेम, बट यहाँ पे जो कॉलम वाइज स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है वो सीरीज का फॉलो हो रहा है। अभी एक कॉलम है गाइस, हेटरोजीनियस वाला पॉइंट है ये कॉलम टू कॉलम के लिए है। ओके रोज के लिए नहीं है। लाइक ये कॉलम अगर आपको फ्लोट है तो दूसरा कॉलम आप स्ट्रिंग बना सकते हो, बट उस कॉलम में सारी वैल्यू स्ट्रिंग ही होगी। ऐसा नहीं है कि आप उस कॉलम में आप एक वैल्यू फ्लोट ले रहे हो, एक इंट ले रहे हो। तो जो आपके हेटरोजीनियस इन नेचर वाला पार्ट है वो कॉलम टू कॉलम वेरी करता है। गॉट इट गाइस। ओके वो कॉलम पे डेटा कैसा होना चाहिए, सारा सेम होना चाहिए, बट एक कॉलम दूसरे कॉलम से हेटरोजीनियस हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी के लिए हम इतना लेके चलते हैं। दिस इज माय क्या है, सिंपल डेटा फ्रेम। और ये वाला क्या था, हियर वी पास वन फ्लोट वैल्यू टू चेक हेट्रोजीनियस बिहेवियर। We know that data frame but with column to column. Okay, so guys ये point हमेशा याद रखना, confused मत होना क्योंकि maximum time यही doubt आता है आपका कि सर अभी तो हेट्रोजीनियस बोला था, यहाँ पर तो होमोजीनियस डेटा आ रहा। तो कॉलम टू कॉलम कैसा रहेगा, हेट्रोजीनियस रहेगा, और कॉलम में डेटा अगर कंटेन होगा तो सारा का सारा होमोजीनियस रहेगा। नितेश हाँ यस ओके। अभी देखो अभी अभी जस्ट इतना ऑब्जर्व करो, मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी लाइक सिंपल यहाँ पर इतना देख लो कि यहाँ पर अभी एक ही कॉलम बना है, तो एक कॉलम है यानी एक डेटा फ्रेम में एक ही कॉलम है, तो सिंपल वो क्या करेगा यहाँ पर आपको होमोजीनियस लग रहा। पर जब मैं दो कॉलम बनाऊंगा तो मैं दोनों कॉलम को ये दिखाऊंगा आप लोगों को, एक को मैं स्ट्रिंग बना दूंगा, एक को मैं इंटीजर बना दूंगा। ओके तो क्या होगा, कॉलम टू कॉलम वो होमोजीनियस सॉरी हेटरोजीनियस रहेगा, और कॉलम में जो डेटा रहेगा वो कैसा रहेगा आपका, होमोजीनियस इन नेचर। गॉट इट गाइस। ओके इसे हम df 1-1 लेके चल लेते हैं।
सो गाइस देखो यहाँ पर आपका होमोजीनियस वाला पार्ट गेट हो रहा है. ओके तो आगे देखते हैं. ओके सो आफ्टर दैट अब मैं क्या आपको दोनों चीजें पता चल गई, होमोजीनियस वाला बिहेवियर और सिंपल बिहेवियर. अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है. ओके तो अब मैं एक नॉर्मल डेटा फ्रेम बनाऊंगा जिसमें आपके कुछ कॉलम्स बनाऊंगा. सो गाइस बार बार अगर मुझे एक बल्कि डेटा फ्रेम बनाना लाइक जिसमें मुझे चार पांच कॉलम बनाने हो, ठीक है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना हो, तो उसमें मैनुअली पास नहीं करूंगा मैं. आप किसका हेल्प लूंगा, अगर आपको याद होगा तो हमने कहीं ना कहीं एरे पढ़ा था, रैंडम फंक्शन पढ़ा था, तो वो सब पढ़ने का मोटिव क्या था. ओके पढ़ लिया है बट उसे यूज कहाँ करना है. तो देखो अब मैं क्या करूंगा, स्ट्रक्चर पास करूंगा सीधा. ओके तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया लाइक हेयर इक्वल्स टू में एनपी डॉट ओके एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट. तो आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट. ओके और एक स्ट्रक्चर मैं बोल रहा हूँ कितना 4x4 का मैट्रिक्स, 4x4 का मैट्रिक्स बन गया 2D स्ट्रक्चर आपका. अब मुझे क्या पास करना है इसमें, एक स्ट्रक्चर तो बन गया गाइस. अब मैं क्या करूंगा उसे डेटा फ्रेम बनाऊंगा लाइक दिस इज माय व्हाट अरे. ओके ये ई क्या है, एक एरे है गाइस यहाँ पे. तो देखो ये एक एरे बना है, अब इस एरे को मैं कहाँ पास करूंगा, डेटा फ्रेम में. सो हियर वी हैव एन एरे ई एंड ट्राई टू पास डेटा फ्रेम. ओके तो मैं डेटा फ्रेम में पास करूंगा तो गाइस देखो इसमें आपके मल्टीपल कॉलम्स बनेंगे. क्या बनेंगे, मल्टीपल कॉलम्स. तो देखते हैं मल्टीपल कॉलम्स कैसे बनते हैं, बट उसमें भी क्या होगा, सारे इंटीजर वैल्यू होंगे. बट अभी बना के देख लेते हैं, मैनिपुलेशन बाद में कर लेंगे. तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम. ओके तो मैंने क्या करा, डेटा डाल दिया. डेटा क्या था, ई प्लस अभी के लिए इतना देखते हैं. चलाओ बनाकर we have, ठीक है इसे काम कर रहा हूँ. चलो ठीक है, तो this is my data frame DF2 guys. आप लोगों को observe हो रहा होगा DF2 का output. ओके ये रहा आपका DF2 का output guys. ओके क्या है आपका DF2 का output, it's okay. ओके तो ये आपका लाइक क्या हुआ यहाँ पर देखो, ये रे क्या जीरो, रो नंबर जीरो, रो नंबर 1 2 3, इधर भी जो नंबर, कॉलम नंबर जीरो, कॉलम नंबर 1 2 एंड 3. बट ऐसे क्या है 1 2 3 आ गया, स्ट्रक्चर भी आ गया आपका कि 4x4 का शेप है, साइज है 16, एलिमेंट टोटल कंटेन करेगा. ठीक है इस तरीके से आपने डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया. ओके तो अभी मैंने क्या क्या पास करा, मैंने सबसे पहले डेटा पास करा. अब मैं डेटा में इंडेक्सेस पास करूंगा, ठीक है सेकंड पैरामीटर. तो मैंने यहाँ पर कॉमा करके एक और पैरामीटर पास करा, ठीक है इंडेक्सेस. तो अगर आप क्या पोजिशनली भी पास कर सकते हो और इस तरीके से भी पास कर सकते हो लाइक दिस इज योर कीवर्ड फंक्शन. ओके गॉट इट. तो इंडेक्स इक्वल्स टू मैंने इंडेक्स दे दिया, मैंने बोला ए बी एक्स एंड वाई, ए बी एंड एक्स एंड वाई. तो देखो ये कहां पर जाएंगे इंडेक्सेस, देखते हैं हम लोग, ऑब्जर्व करते हैं इसे. मैंने अब इंडेक्स पास करे तो जैसे मैं इसे ऑपरेट करूंगा तो देखो क्या बोल रहा, शेप ऑफ पास वैल्यू इज 1/6 एंड दिस इज इंप्लाई. सॉरी गाइस एल नहीं था यहाँ पर, एक सेकेंड डीएफ 3 ले लो इसे. एक सेकंड गाइस, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गई थोड़ी सी. एक सेकंड गाइस, कंट्रोल एक्स, इस सेल की भी जरूरत नहीं थी, ये फालतू में आ गया दोनों के दोनों यार.
ओके सो गाइस इससे सिंपल ऐसे रहने देते हैं, नेक्स्ट फंक्शन में पास कर लेते हैं इंडेक्सेस को df3 में. सो हियर वी हैव df3 pd डॉट डेटा फ्रेम. सो हियर वी हैव एरे देन इंडेक्स. तो ये मैंने इंडेक्सेस पास कर लिए हैं, आप देख लेते हैं. सो नाउ वी हैव df3. ओके तो देखते हैं df3 का आउटपुट आपका क्या आता है. ओके सो गाइस ऑब्जर्व करोगे ए बी एक्स और वाई कहां पर गए, इंडेक्सेस मतलब रो साइड. अगर आप इंडेक्स पर डेटा पास करते हो तो वो कहां जाएगा, रो साइड. ओके नाउ ट्राई टू पासिंग डेटा एट कॉलम साइड. ओके तो दिस इज माय ऑपरेशन नंबर 4 df4 और अब कहां पास करूंगा मैं, कॉलम साइड इंडेक्सेस. ओके गॉट इट. सो हियर वी ट्राई टू पास कॉलम साइड डेटा साइड डेटा. गॉट इट. तो df4 में मैंने कॉलम साइड डेटा पास करने के लिए क्या करा, कॉलम्स एंड नाउ वी हैव ए बी सी एंड डी. इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर पास कर दिया. सो हियर वी गेट df4 ओके सो गाइस देखो दिस इज माय df4. तो ये रहा, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका बन चुका है लाइक ए बी एक्स वाई दिस इज योर इंडेक्सेस. ओके A, B, C, D, this is your columns. Okay. At last, अगर आपको एक और पैरामीटर जो अभी रह चुका है उसे पास करना है तो वो क्या है आपका, हाँ यहाँ पास कर देता हूँ मैं, क्या डी टाइप गैस. तो डी टाइप आपको पता है क्या करेगा, है कंप्लीट डेटा फ्रेम का जो भी आपका डेटा है उसका टाइप चेंज कर देगा. मतलब कि डी टाइप इक्वल टू आई सेड फ्लोट. तो देखो क्या करेगा, अब अगर जो आपका df4 है उसमें देखो सारा डेटा किसमें आ रहा है, फ्लोट में आ रहा है. किसमें आ रहा है, फ्लोट में. तो फ्लोट में इसलिए आ रहा है गाइस क्योंकि मैंने यहाँ पर डी टाइप का अपना एक पैरामीटर पास कर दिया कि जो भी डेटा बनेगा कुछ भी बट वो किसमें आना चाहिए, फ्लोट में आना चाहिए. तो दिस इज ऑल अबाउट योर पैरामीटर्स विद रिस्पेक्ट टू डेटा फ्रेम. ओके गाइज अभी हमने सिर्फ डेटा फ्रेम के पैरामीटर डिस्कस कर रहे हैं, कोई कस्टमाइजेशन कुछ नहीं पड़ा है. सिर्फ अभी हमने क्रिएशन सीखा है कि सारे पैरामीटर्स करते क्या है, जाते कहाँ कहाँ पर है. गॉट इट गाइज, क्लियर है. Anyone have any doubt till now? किसी को किसी भी चीज में डाउट हो तो बता सकता है. ओके इंडेक्सेस कुछ भी पास हो सकते हैं जो कि सीरीज में मैंने आपको करके दिखाया था. हाँ नितेश, सब कुछ हो सकता है डेटा फ्रेम में, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है. बट अभी के लिए इतना समझ में आया, सब कुछ कर सकते हैं, पर्टिकुलर कॉलम का चेंज कर सकते हैं, एवरीथिंग. क्लियर? ओके रोहित, व्हाट इज व्हाट अबाउट री अगेन? सर डेटा फ्रेम को फोर्थ जो आपने दिया है उसको रिवाइव कर दो. म्यूट योरसेल्फ, माइक पे मत बोलो, चैट में बोलो. ओके क्योंकि फिर मेरा नेटवर्क फ्लक्चुएट होने लग जाता है. ओके चैट में बताओ, माइक म्यूट करो अपने अपने. ओके जो भी इशू है. df4 में क्या था, कुछ नहीं था लाइक. रोहित फटाफट से देखो, इसमें मैंने क्या करा, इंडेक्सेस पास करें प्लस कॉलम पास करें और लास्ट में एक और एट्रीब्यूट, लाइक कितने 5 एट्रीब्यूट थे, तो जो 4 इंपॉर्टेंट थे मैंने बताया आपको, क्या आपका डेटा
देन इंडेक्स, देन आपके कॉलम्स और देन डी टाइप। तो इंडेक्स कहाँ गए, इंडेक्स यहाँ पर गए, दीज आर द इंडेक्सेस, रो साइड इंडेक्सेस गए हैं, ओके। और कॉलम कहाँ गए आपके, हेयर, ये पैरामीटर जो ऊपर दिख रहा है आपको। उसके बाद डी टाइप क्या है आपका, फ्लोट, मतलब ये डेटा तो पहले इंट में बन रहा था बट जब मैंने इसे चेंज करा तो इसने क्या करा, अपने आपको फ्लोट में कंसिडर कर लिया है। गॉट इट रोहित, क्लियर है? बस ये चार पैरामीटर पास करे थे, इन चार की वर्किंग मैंने आपको बता दिया, ओके। तो आगे देखते हैं गाइस, ओके। सो गाइस नाउ वी हैव, ओके, मैं कुछ फंक्शन बताता हूँ आपको, ठीक है, डेटा फ्रेम की इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए। तो डेटा फ्रेम कुछ फंक्शन है गाइस, ओके, लाइक सबसे पहला प्रिंट, डेटा। तो फंक्शन, अगर आपको डेटा निकालना तो क्या करोगे, डेटा फ्रेम, लाइक क्या था आपका, df4 डॉट वैल्यूज, कुछ इस तरीके से। तो वैल्यूज आपको क्या देगा देखते हैं, ओके, नॉट कॉलेबल, डेटा फ्रेम डॉट वैल्यूज, कॉलेबल नहीं है तो हम ले लेते हैं इस तरीके से, ओके। तो देखो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास सिर्फ डेटा निकल गया है, डेटा क्या था आपका, एरे था गाइस, ओके। तो एरे आपका निकल के बाहर आ चुका है, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, डॉट वैल्यूज, डॉट वैल्यूज। इसी तरीके से आगे देखते हैं, अगर आपका स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, प्रिंट स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीएफ कीज। तो मैंने कीज को कॉल कराया, तो आज जैसे मैं इसे कॉल करा तो मुझे करना पड़ेगा आपको, ओके। तो देखो स्ट्रक्चर डीएफ में तो कुछ नहीं था, एक सेकेंड, बट एक मेथड के थ्रू मिले, तो आप इसे कॉल करा लो, आपको डेटा कीज के रिस्पेक्ट में मिलेगा। ये क्या आपको कीज दे रही है, बट कौन सी वाली दे रही है, एक्चुअल कीज है, कौन सी, इंडेक्सेस ए बी सी डी, ओके। तो दीज, अगर आपको कॉलम नेम्स गेट करने है, स्ट्रक्चर गेट करना है, तो आप क्या करोगे, डॉट कीज पास करोगे, आपको उसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी गाइस, ओके, क्लियर है? तो ये क्या था आपके कुछ फंक्शंस थे जो कि आपको बताएंगे, लाइक डॉट जो आपका वैल्यूज होते हैं, कीज होती है, और भी मल्टीपल है, बट अभी के लिए अगर आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर पता लगाना है अपने डेटा फ्रेम के बारे में, तो आप इन दोनों का यूज कर सकते हो गाइस। एनीवन हैव एनी डाउट टिल नाउ? No one. So guys, यहाँ पे मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया, अगर आप ऑब्जर्व करोगे सिंटैक्स, इस रो साइड की कीज गेट करनी हो तो ओके, ठीक है, ये भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आइटम यूज करके। हाँ बिल्कुल कमल, ओके, इंडेक्स, ओके, ठीक है। नीरज, जो इंडेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर वो भी इंडेक्सेस ही हैं, लाइक अगर जो मेरा ये वैल्यूज है, ये भी इंडेक्स है, ये भी इंडेक्स है, बट जो मेजर एक्सिस चलती है इसमें, वो क्या चलती है आपकी, कॉलम्स पे चलती है, ओके। जो आपका डेटा फ्रेम होता है, लाइक एरे में जो मेजर एक्सिस था, आपको पता है क्या था, ठीक है, यहाँ पर जो मेजर एक्सिस चल रहा है वो क्या चल रहा है, कॉलम चल रहा है, तो मेजर एक्सिस के इंडेक्सेस आपको प्रोवाइड कराएगी। गॉट इट, क्लियर है नीरज? ओके, जो मेजर प्रायोरिटी पे चलता है वो कॉलम पे चलता है स्ट्रक्चर डेटा फ्रेम का। गॉट इट, आपको याद होगा जब मैं एरे पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताई थी चीज, ओके। एक सेकंड गाइस, df4 डॉट आइटम्स से गेट आइटम्स, दोनों में से एक फंक्शन होता है इसका, गेट आइटम्स, चलो देखते हैं अभी बाद में, अभी के लिए समझा रहा था मैं क्या है।
डेटा फ्रेम ओके, तो मैंने यहाँ पर डेटा फ्रेम में दो रोज पास कर दिए गए, ठीक है ना। ये क्या है देखते हैं स्ट्रक्चर क्या बनता है अभी के लिए। ओके तो प्रिंट df5 ओके सो df5 देखते हैं स्ट्रक्चर में क्या बनता है। ओके सो ठीक है गाइस, तो देखो यहां पर क्या है, दिस इज माय रो वन एंड दिस इज माय रो टू। ओके गॉट इट, ये मेरा रो नंबर वन है और ये मेरा रो नंबर टू है। तो देखो जीरो रो पे भी डेटा गया है और वन रो पे भी डेटा गया है। ओके तो यहाँ पर क्या होगा, ये सारा का सारा किस डेटा, इसका डेटा टाइप क्या होगा, ओके स्ट्रक्चर में क्या होगा। मैंने बोला था कॉलम के रिस्पेक्ट में डेटा सेम होता है, तो बेसिकली अभी के लिए यहाँ पर सारा का सारा क्या बन चुका है, स्ट्रिंग बन चुका है df डॉट डी टाइप। मैं सेशन रिक्रिएट कर रहा हूँ, वेट अ सेक। ओके